नमस्कार, आप देख रहे हैं परमात आवाज न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंशु। उन्नाव सफीपुर, जहां सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों की दुर्भी संधि के चलते भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ावा दिया जाता रहा है। हमेशा से ही किसी न किसी प्रकरण में चर्चित रहे स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर में कुछ स्वास्थ्य कर्मी ऐसे भी हैं जो अपने को जनप्रतिनिधियों का बहुत करीबी बताकर प्रभारी और अन्य स्टाफ कर्मियों पर कई वर्षों से रौब गांठते दबाव बनाते चले आ रहे हैं। पूर्व में प्रभारी रहे डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के कार्यकाल में मृतक आश्रित में नौकरी पाकर स्थानीय नगर निवास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही मन मुताबिक नियुक्ति कराकर कई वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। वहीं से शुरू हुआ इनकी चाणक्य नीति का बोलबाला। आज भी सीएचसी में देखने को मिलता है कि राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में हर बार ये अपने को किसी न किसी नेता का करीबी बता सीनियर और जूनियर स्टाफ कर्मियों पर दबाव बनाते रहते हैं। फर्जी तरीके से किसी न किसी जनप्रतिनिधि के नाम का सहारा लेकर सीएचसी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता रहा और कोई भी चिकित्सक या कर्मी इनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इतना तो जलवा है इस स्वास्थ्य कर्मी का सीएचसी सफीपुर में। कुछ समय पूर्व प्रभारी पद पर तैनात रहे डॉक्टर ललित कुमार के कार्यकाल में भी सीएचसी में पूर्णतया भ्रष्टाचार प्राप्त रहा। स्वास्थ्य केंद्र सूत्र बताते हैं कि पूर्व में सीएचसी में मरीजों के होने वाले अल्ट्रासाउंड में भी उक्त स्वास्थ्य कर्मी को अच्छा खासा कमीशन मिलता था। इसी अल्ट्रासाउंड प्रकरण में मरीजों से पैसे उगाही को लेकर कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा विरोध किए जाने व मरीजों के बयान रिकॉर्ड कर वीडियो बनाए जाने का मामला बहुत ही गर्माया था। सूत्रों के अनुसार उक्त बहुचर्चित स्वास्थ्य कर्मी ही ये तय करता है कि सीएचसी में आए मरीजों की जांच के पर्चे एवं मरीजों को किस जांच केंद्र पर भेजना है। कमीशन के चक्कर में खेला जाता है ये खेल। स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों ने कभी भी इस कर्मचारी के पद के अनुसार इससे कार्य नहीं कराया। क्या इस कर्मचारी की पहुँच के आगे जिले के स्वास्थ्य विभाग से लेकर स्थानीय सीएचसी प्रशासन भी नतमस्तक है। उपरोक्त प्रकरण से संबंधित कड़ी में कुछ वर्षों पूर्व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने इस कर्मचारी द्वारा सीएचसी में फैलाए गए व फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार और मरीजों की शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव के स्वास्थ्य कर्मी को सीएचसी सफीपुर से तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए थे, किंतु कुछ छुटभैया स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधियों के मध्यस्थता से स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उक्त जनप्रतिनिधि की परिक्रमा व विलय दंडवत कर स्थानांतरण को रुका लिया गया था। स्थानीय एवं क्षेत्रीय लोगों, मरीजों कभी भी सीएचसी पहुंचे जरूरतमंदों की जुबान पर प्रभारी का काम सिर्फ इस कर्मचारी का ही नाम रहता है। ये यहीं तक नहीं रुके, अगर कोई पत्रकार इनके बारे में लिखे तो इसको झूठे मुकदमे भी फंसाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं और पत्रकार को धमकाते हैं कि मेरी 5 करोड़ की हैसियत है, हम मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देंगे। अपनी भ्रष्ट कार्यशैली के चलते स्वास्थ्य कर्मी के चर्चित होने का जिम्मेदार कौन, इसी प्रकरण से संबंधित कई राज अभी खुलने बाकी हैं। प्रदेश प्रभारी ज्ञानचंद्र के साथ उन्नाव ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल के हम खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए परमात आवाज न्यूज। नमस्कार।